दोस्तों सब्सक्राइब करें क्रिकेट 9 यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। इंग्लैंड के सामने तीसरे वनडे में पाकिस्तान की एक नई चली। कप्तान बाबर आजम की 158 रनों की वर्ल्ड रिकॉर्ड पारी भी पाकिस्तान को जीत नहीं दिला पाई। बर्मिंगम में पहले बल्लेबाजी करने वाली पाकिस्तान ने पिछले दो वनडे से बेहतर खेल दिखाया और 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 331 रन बनाए। फिर पाकिस्तान टीम के गेंदबाज बड़े स्कोर की रक्षा नहीं कर सके और इंग्लैंड ने 2 ओवर पहले ही 7 विकेट खोकर टारगेट को हासिल कर लिया। पाकिस्तान को इसी के साथ मौजूदा सीरीज में 0-3 का क्लीन स्वीप झेलना पड़ा। तीसरे और आखिरी वनडे में हारने के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के पास ज़्यादा कुछ कहने को नहीं था। ऐसा मालूम हो रहा था कि उनके मुँह पर ताला लगा हो। बहुत ही कम शब्दों में बाबर आजम ने अपनी टीम की गलती का खुलासा किया। उन्होंने कहा, हमने अच्छी शुरुआत की लेकिन फील्डिंग में हम काफ़ी धीमे रहे। बाबर आजम ने आगे कहा, हमारे पास मैच जीतने का मौका था लेकिन ख़राब फील्डिंग की वजह से हमारे हाथ से मौका फिसल गया। हम अपनी गलतियों से सबक लेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसे आगे नहीं दोहराएंगे। बाबर आजम की टीम अब 16 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज खेलेंगी। आपको बता दूं, दोनों टीमों के बीच 3 T20 मैच खेले जाएंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना।